भाजपा नेता चंद्र प्रकाश औसतवाल के पेट्रोल पंप पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का जमकर स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ मालाएं पहनाई गई व इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला भी मौजूद रहे, जिन्होंने डिप्टी सीएम को हार पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं डिप्टी सीएम ने भी पूर्व गृह मंत्री के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि मोहन राज प्रदेश में अच्छे से चलेगा और काम करेगा। साथ ही जावरा को जिला बनाने की वर्षों से मांग वाले सवाल पर बोले, इस पर हम विचार करेंगे और काम करेंगे। इसी के साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 भाजपा की सीट जीतने का दावा किया। आने वाली लोकसभा की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। सर, शिवराज के बाद में मोहन राज आया है, क्या कहेंगे सर? जो भी बैठेंगे सब मिलके काम करेंगे। सर, जावरा को जिला बनाने की बहुत टाइम से मांग चल रही है, उस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे।